नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यह पुराणोक्त गणपति पूजन की सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम गणपति जी के ध्यान के साथ कर रहे हैं। तो हाथ में चावल और पुष्प लेकर गणेश जी का ध्यान करें और यह मंत्र का पठन करें। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भीपाशाङ्कुशेष्ठा भयधृतिविशदं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्त्यर्धमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। अब हाथ में रखे चावल और पुष्प गणेश जी पर चढ़ा दीजिए और बोलिए, श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः ध्यायामि। आवाहनम्। हाथ जोड़कर गणेश जी का आवाहन करें। आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाणं मया पूजां गृहाण सुरसत्तम। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि। प्रतिष्ठापनम। हाथ में चावल लेकर यह मंत्र का पठन करें। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मिता प्रतिष्ठान्ते करोम्यत्र मंडले देवतैः सह। चावल गणेश जी पर चढ़ा दे। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। आसनम। फिर हाथ में चावल लेकर यह मंत्र का पठन करें। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। गणेश जी के आसन पर जहाँ आप उन्हें विराजमान कर रहे हैं वहाँ पर चढ़ा दे। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः आसनं समर्पयामि। पाद्यं। गणेश जी को ताम्र पात्र में विराजमान कर उन पर उनके चरणों में जल चढ़ाए। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध्य संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। आचमनी में जल लेकर गणेश जी के चरणों में जल चढ़ाए और बोले, श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं व। अब आचमनी में या चम्मच में जल लेकर उसमें गंध अक्षत पुष्प कुमकुम चावल और पुष्प रखे और यह मंत्र का पठन करे और गणेश जी के हाथों पर चढ़ा दे। ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गंधपुष्प फलान्वितं हिरण्यं ददामर्घ्यं गृहाण परमेश्वर। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यान्ते आचमनम्। अब गणेश जी के मुख पर जल चढ़ाए। आचमनम्। सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधि निर्मलं जलं आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः आचमनम् समर्पयामि। स्नानम्। गंगा सरस्वतीरेव पयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितो सी मया देव यतशान्तिं प्रयच्छ मे। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः स्नानम् समर्पयामि। यहाँ पर आपको गणेश जी पर जल चढ़ाना है। स्नानम्। यहाँ पर हम पृथक पंचामृत स्नान यहाँ पर हम बता रहे हैं। फिर आखिरी में आपको एकतंत्रेण पंचामृत मंत्र भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पंचामृत में हम दूध का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले पयः स्नानम्। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः पयः स्नानम समर्पयामि। गणेश जी पर दूध चढ़ाए और दूध चढ़ाने के बाद में एक आचमनी जल चढ़ाए।
पह्यस्नानान्ते शुद्धो उदकस्नानं समर्पयामि दधि स्नानम। अब गणेश जी पर दही चढ़ाए, दही चढ़ाने का मंत्र है। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानी तम मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। दधि स्नानम समर्पयामि दधि स्नानान्ते, दही चढ़ाने के बाद एक आचमनी शुद्ध जल चढ़ाए। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि घृत स्नानम। गणेश जी पर घी चढ़ाए। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। घृतस्नानम समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्ध जल चढ़ाए। शुद्धोदकस्नानम समर्पयामि मधुस्नानम। मधु का मतलब होता है शहद। शहद से गणेश जी को स्नान कराए और यह मंत्र बोले। तरुपुष्प समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। मधुस्नानम समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शर्करास्नानम। अब शक्कर से स्नान कराए। इक्षुसार समद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। शर्करास्नानम समर्पयामि शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम समर्पयामि। शक्कर चढ़ाने के बाद एक आचमनी जल चढ़ाए। अब यह हमने पांच पृथक पृथक पंचामृत स्नान आपको बताए। अब हम आपको सम्मिलित पंचामृत स्नानम बता रहे हैं। यहाँ पर आप इन पांचों चीज़ों को एक पात्र में मिक्स कर ले, मिला ले और फिर चढ़ाए, यह पंचामृत बन जाएगा। तो पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराए और यह मंत्र बोले। पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाने के बाद एक आचमनी जल चढ़ाए। गंधोदक स्नानम, आचमनी में जल लेकर उसमें चंदन मिलाकर उस जल से गणेश जी को स्नान कराए। मलयाचल संभूतम चंदना गरु संभवम चंदनम देवदेवेश स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नान के बाद एक आचमनी शुद्ध जल गणेश जी पर चढ़ाए। उद्वर्तन स्नानम, आचमनी में जल लेकर उसमें इत्र मिला ले और उस जल से गणेश जी को स्नान कराए। नाना सुगंधि द्रव्यम च चंदनम रजनीयुतम उद्वर्तनम मया दत्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। उद्वर्तन स्नानम समर्पयामि उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उद्वर्तन स्नान के बाद में एक आचमनी फिर शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान कराए और फिर हाथ में गणेश जी को उठाकर अच्छी तरह से उन्हें स्नान कराए शुद्ध जल से और यह मंत्र का पठन करें। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः।
शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अच्छे से स्नान कराने के बाद उन्हें एक शुद्ध वस्त्र से पोंछकर आप उन्हें उनके आसन पर बिठा दीजिए। शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रेण प्रमृज्य आसनोपरि संस्थाप्य। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाइए। आपने जो भी वस्त्र गणेश जी के लिए लाए है वह वस्त्र आप गणेश जी को चढ़ाइए। वस्त्र नहीं हो तो मूली का टुकड़ा, लाल टुकड़ा आप गणेश जी पर चढ़ा सकते हैं। और यह मंत्र का पठन करें वस्त्र चढ़ाते समय। सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वासांसि प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद तरभाणे में ताम्र पात्र में एक आचमनी जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम्। अब यज्ञोपवीत गणेश जी पर चढ़ाइए। यज्ञोपवीत पहनाइए गणेश जी को और यह मंत्र बोलिए। नवभिस्तंतुभिर्युक्तम् त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। यज्ञोपवीते समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में एक आचमनी ताम्र पात्र में जल छोड़ दीजिए। गंधम। अब गणेश जी को चंदन से, कुमकुम से तिलक लगाइए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। गंधम समर्पयामि। अक्षताः। गंध के बाद चावल चढ़ाइए, चावल लगाइए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। अक्षतान समर्पयामि। चावल चढ़ाने के बाद में गणेश जी पर पुष्प चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पान्ते। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाए। दुर्वा चढ़ाने का मंत्र है दुर्वेह्यमृत संपन्ने शतमूले शतांकुरे शतम पातक संहर्त्री शतमायुष्यवर्धिनी विष्णवादि सर्वदेवानां दुर्वा वै प्रीतिदा सदा वंशवृद्धि करी नित्यम गणेशायार्पयाम्यहम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि। दुर्वा चढ़ाने के बाद पुष्प की मालिका गणेश जी पर चढ़ाए। पुष्प मालिका चढ़ाने का मंत्र है सेवंतिका बगुल चंपक पाटलाब्जैः पन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालिति भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। सौभाग्य परिमल द्रव्याणि। यहाँ पर आप अबिल गुलाल हल्दी कुकू सिंदूर आदि सौभाग्य द्रव्य गणेश जी के चरणों में चढ़ाइए और यह मंत्र का पठन करिए। अबीरं च गुलालं च चूवा चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। श्वेताबिरेण सहितं शुभरक्तचूर्णं सिंदूरचूर्ण विपुलान्वितपीतचूर्णं कर्पूरकेशसुगन्धि सुवासितं च सौभाग्यद्रव्यमुररी कुरु दीन बंधो। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब
गणेश जी पर धूप बताइए गणेश जी को, अगरबत्ती यहाँ पर नहीं बतानी चाहिए, यह भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि अगरबत्ती का त्याग करें, क्योंकि शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना मना है और अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है, इसलिए गणेश जी को धूप बताएं। वनस्पति रसोद्भूतम गंधाढ्यो गंध उत्तमा आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। धूपम आग्रापयामि। गणेश जी को दीप बताइए और यह मंत्र बोलिए। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम। नैवेद्य वहाँ पर आप जो भी प्रसाद गणेश जी को भोग लगाना चाहते हैं वह रख दें, और उस प्रसाद के चारों ओर जल घुमाकर ताम्र पात्र में उस जल को छोड़ दे। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारम भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। देवता मूलमंत्रेण गायत्र्या वा नैवेद्यं शुद्धजलेन सम्प्रोक्ष्य सम्पूज्य धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रया पंचप्राणहुतिर्दध्यात्। यहाँ पर मुद्राएं बताई गई है, धेनु मुद्रा, ग्रास मुद्रा, अमृतीकृत आदि। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको मुद्रा तो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम सिर्फ आपको विधि हम बोल रहे हैं। इसके लिए हम एक अलग से मुद्राओं का वीडियो आपको बताएंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको इशारा बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको धेनु मुद्रा, ग्रास मुद्रा आदि प्रदर्शित करना है। उसके बाद आपको बोलना है पूर्वापोषणम समर्पयामि। आचमनी में जल लेकर एक आचमनी जल छोड़ना है और बोलना है पूर्वापोषणम समर्पयामि। फिर हाथ जोड़कर गणेश जी को भोग लगाने का भाव रखकर बोलना है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। फिर चार आचमनी ताम्र पात्र में जल छोड़ना है। मध्ये पानीयम समर्पयामि। उत्तरा पोषणम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयम समर्पयामि। चार बार जल छोड़ने के बाद एक आचमनी फिर जल छोड़ना है और बोलना है नैवेद्यान्ते आचमनीयम समर्पयामि। उसके बाद में नैवेद्य भोग लग जाने के बाद में आपको चंदन से दोनों हाथों की मध्यमा अनामिका उंगली से गणेश जी पर चंदन के छींटे देना है। क्रोध वर्तनार्ते गंधम समर्पयामि। चंदन से छींटे देने के बाद में मुखवासार्थे पूगी फल ताम्बुलम्ब। ताम्बुल मतलब कि पान और पूगी फल मतलब सुपारी आपको गणेश जी के पास में रखना है। जैसे कि हम नैवेद्य भोजन करने के बाद में पान का बीड़ा देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम गणेश जी को पान का बीड़ा चढ़ा रहे हैं। उसमें आप इलायची, लौंग, सुपारी और पान, यह सभी सामग्री गणेश जी के चरणों में आपको निवेदित करना है और यह मंत्र बोलना है पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृह्यताम श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। मुखवासार्थे पूगी फलताम्बूलम समर्पयामि। मुखशुद्ध्यर्थम। यहाँ पर आपको गणेश जी के सामने एक फल रखना है,
एक पान के ऊपर आप एक फल रख सकते हैं मुख शुद्धि के लिए, और यह मंत्र आपको यहाँ पर पठन करना है। कलिंग कोशातक संयुतानी जंबीर नारिंग समन्वितानी सुनारिकेलानि सदा डिमानी फलानि ते देव समर्पयामि। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। मुखशुद्ध्यर्थं फलं समर्पयामि। दक्षिणाः। अब आपको जो भी दक्षिणा यथाशक्ति गणेश जी को अर्पित करनी है, गणेश जी के चरणों में आप वह दक्षिणा निवेदित कर दे, वहाँ पर रख दे और यह मंत्र का पठन करे। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदह यतशांतिम प्रयच्छ मे। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। दक्षिणां समर्पयामि। आरार्तिक्यम। अब यहाँ पर गणेश जी की आरती करना है आपको, तो आप यहाँ पर निराजनी प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आप एक दीपक, घृत दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित कर ले और उस दीपक का पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प रोली चावल कुमकुम चावल और फूल से उस दिए की पूजा करें। ज्वालामालिन्ये नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ पर हम आरती में आप जो भी प्रचलित आरतियाँ है वह बोल सकते हैं, सुखकर्ता दुखहर्ता आदि आरती यहाँ पर आप बोल सकते हैं, पर हम यह पुराणोक्त वेब सीरीज़ है गणपति पूजन की, इसीलिए हम पुराणोक्त मंत्र द्वारा गणेश जी की आरती आपको बता रहे हैं। तो चलिए गणेश जी की आरती करते हैं। कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतर संस्थितेन प्रदीप्त भासा सहसंगतेन नीराजनं ते जगदीश कूर्वे कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं च प्रदीपितं आरार्तिक्यमहं कूर्वे पश्य मे वरदोत्तम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णुर मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरती करने के बाद गणेश जी को आरती प्रदर्शित करें, गणेश जी को आरती बताएं, चारों दिशाओं में आरती बताएं, खुद आरती ले ले और हाथ हाथ धो लीजिए। आरार्तिक्यं समर्पयामि। देवतानाम अभिवंदनम दिग्देवतानाम अभिवंदनम सकल दिशानाम अभिवंदनम स्वात्मानाम अभिवंदनम। फिर यहाँ पर आपको हाथ धोने के बाद में प्रदक्षिणा करना है। आप आरती ले लीजिए, हाथ धो लीजिए, फिर प्रदक्षिणा करिए। यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा घूमने के बाद में मंत्र पुष्पांजलि का पठन करें, हाथ में चावल पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि मंत्र बोले। नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। गणेश जी के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें, हाथ में रखे चावल और पुष्प गणेश जी के चरणों में चढ़ा दे और बोले श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। विशेष अर्घ्यम। अब आप आचमनी में जल ले लीजिए, उसमें रोली चावल फूल कुमकुम चावल फूल यह रख लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए। सुपारी
रख सकते हैं, श्रीफल भी आप रख सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो वह आप रखिए और इस मंत्र का पठन करिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयंकर तात्राता भव भवार्णवाद द्वय मातुर कृपा सिंधो शाण मातुर गज प्रभो वरदस्त्वं वरम देवी वांछितं वांछितार्थद। फिर आप बोलिए अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम श्री महागणपतये नमः विशेष अर्घ्यम समर्पयामि अर्घ्यान्ते। जो आपने आचमनी में गंधाक्षत पुष्प श्रीफल या सुपारी दक्षिणा रखा हुआ है वह गणेश जी के सामने आप वहाँ पर छोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए। और श्रीफल रखा हो या सुपारी रखी हो, वहाँ पर आपने जो जल छोड़ा है वह जल अपने नेत्रों को लगा लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए और गणेश जी से प्रार्थना करें कि यह हमने आपका जो पूजन करा है इसमें कोई भूल हुई हो हमसे मंत्र बोलने में आदि किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी इस पूजा को भगवान गणपति महाराज आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना पूर्वक उन्हें नमस्कार करें और बोले विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को नमस्कार कर ले यह मंत्रों का पठन कर कर और बोले श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। क्षमापनम्। गणेश जी से क्षमा मांगे कि हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो क्षमा मांगने पर आपको गणेश जी आपकी पूजा में कोई भी गलती हुई होगी, त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कर देंगे। तो यह मंत्र बोले और क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। क्षमापनं समर्पयामि अर्पणम्। अब गणेश जी को आपने जो पूजा करी है वह गणेश जी को अर्पण करे तो आचमनी में जल लेकर बोले अनेन पूजनेन सिद्धि बुद्धि सहित गणेशः प्रियताम नमः। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। यहाँ पर इस वीडियो सीरीज़ का आखिरी पार्ट आपको हमने बता दिया है। यहाँ पर आपका गणपति पूजन पूर्ण होता है। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद करा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पसंद किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका
पूरा सहयोग करेंगे। और इस वीडियो में कोई त्रुटि हो, क्योंकि बहुत से विद्वत ब्राह्मण भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अगर कोई त्रुटि हुई है तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे उसमें उस चीज़ का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।